दृष्टि आइस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल बीबीसी न्यूज में प्रकाशित लेख, डज सऊदी रोबोट सिटीजन हैव मोर राइट्स देन वुमेन, और द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित लेख, मीट सोफिया द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटीजन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह आर्टिकल पेपर 2 के तकनीकी खंड के साथ साथ पेपर 4 के एथिक्स खंड से भी जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करें, मानव जैसे रोबोट को मिली नागरिकता। हाल ही में सऊदी अरब दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने एक रोबोट को नागरिकता प्रदान की है। इस रोबोट का नाम सोफिया रखा गया है। रोबोट को एक महिला के रूप में विकसित किया गया है। इसकी निर्माता कंपनी हांगकांग की हैंसन रोबोटिक्स है। सोफिया एक तकनीकी सम्मेलन में खुद वार्ता के लिए शामिल हुई। इस सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया गया था। सोफिया रोबोट की कुछ खास बातें हैं जो इसे पहले के रोबोट से अलग बना देती हैं। सोफिया प्रश्नों का जवाब बेहद आसानी से दे सकती है। जब सम्मेलन में सोफिया से उनको मिली नागरिकता के बारे में सवाल किया गया तो सोफिया ने बड़ी सहजता से जवाब दिया। उसने कहा कि मुझे मिले इस मौलिक पहचान से मैं बेहद सम्मानित और गौरवान्वित हूँ। विश्व में पहली बार एक रोबोट को नागरिकता मिलना ऐतिहासिक है। सोफिया चेहरे के हाव भाव प्रकट करने में समर्थ है, किंतु यह कृत्रिम संवेदनशीलता मानवीय संवेदनशीलता से कितनी मिलती जुलती है, यह एक मौलिक और जरूरी सवाल है। ऐसे प्रश्नों के जवाब हम इस आर्टिकल के जरिए खोजने की कोशिश करेंगे। सोफिया रोबोट को मिली नागरिकता की खबर ने दुनिया भर के लोगों को खूब चौंकाया। खासतौर पर सऊदी अरब की महिलाओं की तरफ से सोशल मीडिया पर तीव्र प्रतिक्रियाएं प्रकट की गईं। ट्विटर तथा फेसबुक पर सवाल खड़े किए गए कि क्या सोफिया रोबोट को सऊदी अरब की आम मुस्लिम महिलाओं से ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि सोफिया बिना किसी पुरुष अभिभावक के तथा बिना बुर्के के मंच पर उपस्थित हुई। सऊदी अरब के कानून के अनुसार कोई भी मुस्लिम महिला बिना पुरुष अभिभावक की सहमति के शादी करने, पासपोर्ट के लिए आवेदन करने, देश से बाहर जाने, विदेश में पढ़ने, सार्वजनिक स्थान पर बिना बुर्के के निकलने जैसे कार्य नहीं कर सकती। इन्हीं कारणों से इस बहस ने जोर पकड़ लिया कि एक रोबोट महिला को आम सऊदी महिला से अधिक अधिकार कैसे प्रदान किए जा सकते हैं। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि सोफिया एक विदेशी महिला की तरह दिखती है, तो क्या सोफिया का मुस्लिम के रूप में धर्म परिवर्तन कराया गया है? यदि कराया गया है तो इसे आम सऊदी महिलाओं से अलग विशेष अधिकार क्यों दिए गए हैं? और धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया है तो सोफिया विदेशी होने के कारण सऊदी अरब की नागरिक नहीं बन सकती, क्योंकि सऊदी अरब के कानून के अनुसार गैर मुस्लिम व्यक्ति को नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती है। इस तरह के तमाम सवालों से सोशल मीडिया भर गया, किंतु सऊदी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब प्रदान नहीं किया गया। आगे देखने वाली बात होगी कि सऊदी अरब की सरकार इन सवालों के जवाब किस तरह देती है, कैसे रोबोट्स को मिली नागरिकता से उठे सवालों का हल निकालती है। सरकार के लिए यह बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब उन देशों में से एक है जहां महिलाओं को बहुत कम अधिकार प्राप्त हैं। अगर ऐसे में एक रोबोट को अधिक अधिकार मिलते हैं तो सरकार को जवाब देने के साथ ही नए कानून पर भी विचार करना पड़ेगा। यह भी बताते चलें कि सऊदी अरब के बाद जापान ने भी एक 7 साल के रोबोट को टोक्यो शहर का निवासी घोषित किया है। इस 7 साल के रोबोट का नाम शिबुया मिरे है। शिबुया मिरे रोबोट सऊदी अरब के सोफिया रोबोट की तरह भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, यह केवल डिजिटल रूप में ही उपस्थित है। यह जापान की लाइव चैटिंग ऐप लाइन पर हर समय चैटिंग करने के लिए उपलब्ध रहता है। लेकिन सोफिया की ही तरह शिबुया मिरे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त है। इस तरह से देखा जाए तो यह एक प्रकार का नया चलन है जो अब दुनिया भर में गति पकड़ रहा है। इस नए चलन पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। इन तमाम पहलुओं पर आगे बढ़ने से पहले संक्षिप्त रूप में ये जान लेते हैं कि रोबोट क्या है और इसका विश्व और भारत में विकास क्रम कैसा रहा है। रोबोट एक ऐसी मशीन है जो एक या कई कार्यों को स्वचालित तरीके से तीव्र गति से एवं शुद्धता के साथ अंजाम देती है। रोबोट्स अपने प्रकार और उद्देश्य के आधार पर कई तरह के हो सकते हैं। मोटे तौर पर देखें तो रोबोट्स 3 तरह के होते हैं, व्यावसायिक, सामरिक व व्यक्तिगत। इस तरह तीनों का प्रयोग क्षेत्र भिन्न भिन्न है। व्यावसायिक रोबोट्स का प्रयोग मॉल, रेस्टोरेंट और एयरपोर्ट पर किया जा सकता है। सामरिक रोबोट्स का प्रयोग सुरक्षा अर्थात बॉम्ब डिफ्यूजिंग सैनिकों के रूप में, दुर्गम स्थानों पर तैनाती के रूप में किया जा सकता है। और व्यक्तिगत रोबोट्स का प्रयोग घर के कामकाज
तथा असिस्टेंट के रूप में किया जा सकता है। हम एप्पल का सीरी, मोटोफोन का हेलो मोटो तथा गूगल का ओके गूगल स्मार्टफोन में प्रयोग करते हैं। ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही रूप हैं। इन्हीं उपयोगिताओं के कारण आज मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रोबोट की महत्ता बढ़ती जा रही है। आइए अब नजर डालते हैं रोबोट के विकास क्रम पर। रोबोट आज के रूप में आने से पहले कई रूपों से होकर गुजरा है। प्राचीन और मध्यकालीन समय में भी रोबोट्स के अस्तित्व की बात की जाती रही है, किंतु यह दंत कथाओं के रूप में ही विद्यमान है। मध्यकालीन समय की बात करें तो चित्रकार लियोनार्दो दा विंची ने एक मानव की तरह दिखने वाले रोबोट का चित्र बनाया, किंतु वास्तविक रूप से वह कभी निर्मित हुआ या नहीं, इस बात के सबूतों का अभाव है। रोबोट कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि वह चल सकता था, हाथ ऊपर नीचे कर सकता था और गर्दन को घुमा सकता था। यह चित्र लगभग 1495 के आसपास बनाया गया था। इसके बाद रोबोट कई शताब्दियों के विकास क्रम से गुजरा। 1921 में रोबोट को रोबोट नाम मिला। यह नामकरण लेखक कैरल कैपिक ने दिया। कैरल कैपिक ने एक नाटक के अंतर्गत मानव रोबोट का पात्र गढ़ा था। इस कहानी में एक आदमी रोबोट का निर्माण करता है जो अपने बनाए हुए रोबोट के द्वारा ही मारा जाता है। इस तरह देखा जाए तो इस कहानी में मानव रोबोट से उत्पन्न होने वाले खतरों की ओर इशारा किया गया था। आज रोबोट कार्यक्रम अति विकसित रूप में हमारे सामने है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे होंडा और सोनी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रोबोट विकास कार्यक्रम चला रही हैं। इन्हें इस क्षेत्र में काफी सफलता भी मिली है। इनके अलावा अमेजन, फेसबुक तथा कई आईटी कंपनियां भी रोबोट निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा चुकी हैं। अमेजन साइट अपने उत्पादों की पैकिंग तथा डिलीवरी में रोबोट्स का प्रयोग करना चाहती है। अमेजन ने ड्रोन डिलीवरी के भी सफल प्रयोग किए हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि आपको किसी स्टोर पर सामान्य रूप से रोबोट से ही खरीदारी व परामर्श करने को मिले। जापान और चीन जैसे देशों में इस तरह के रोबोट्स अभी देखे जा सकते हैं। जापान, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन तथा इजराइल जैसे देश इस दिशा में बेहद विकास कर चुके हैं। अगर भारत के रोबोटिक्स कार्यक्रम की बात की जाए तो अभी हम बहुत आगे नहीं हैं। द इंडियन अंडरवाटर रोबोटिक्स सोसाइटी यानी IURS भारत की पहली अलाभकारी शोध संस्था है जो कि कम कीमत में रोबोट विकसित करने हेतु कार्य करती है। 2004 में स्थापित होने के बाद IURS संस्थान ने सरकार और शिक्षण प्रतिष्ठानों में रोबोट विकास कार्यक्रमों के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाली दूसरी संस्था है रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना जुलाई 2011 में की गई थी। यह संस्था अपनी प्रकृति से मुख्यतः अकादमिक स्वरूप की है। इस संस्था का कार्य भारत में रोबोटिक्स तथा स्वसंचालित मशीनों के विकास पर ध्यान देना है। भारत में अभी रोबोट विकास कार्यक्रम जापान, अमेरिका और चीन जैसा विकसित नहीं है। अभी भारत को इस दिशा में शोध करने और बड़े कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। भारत में चलाए जा रहे स्मार्ट सिटी जैसे कार्यक्रमों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। भारत में भी कोशिश की जा रही है कि रोड्स, पार्क्स, सार्वजनिक स्थलों पर जलने वाली लाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही दिन रात के हिसाब से खुद ही ऑन ऑफ हो जाएंगी। सरकार इस तरह के नवीन प्रयोगों को योजनाओं में लागू करने का प्रयास कर रही है। अब सवाल है कि क्या हमारे लिए केवल यही विमर्श का विषय होना चाहिए कि एक रोबोट को नागरिकता प्रदान की गई है या किसी रोबोट को लाइव चैटिंग के लिए निवासी बनाया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के विकास से मानवता तथा स्वयं मानव के लिए कई प्रकार की चुनौतियों ने जन्म लिया है। हमारे पास मौका है कि हम मानव रूप में रोबोट के बढ़ते चलन से उभर रहे नैतिक, सामाजिक, सामरिक इत्यादि प्रश्नों के उत्तर भी खोजने का प्रयास करें। रोबोट्स और स्वसंचालित मशीनों का निर्माण किया गया था ताकि उनसे कठिनाई वाले और खतरों से भरे कार्यों को करवाया जा सके। रोबोट से ऐसे कार्य तो करवाए गए, लेकिन समय के साथ साथ उसमें कुछ समस्याएं भी आने लगी। इनके अंतर्गत नैतिक प्रश्नों के कारण मानवीय रोबोट कार्यक्रम पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाते रहे हैं। रोबोट्स के बढ़ते चलन के कारण यहाँ तक कहा जाने लगा कि यह मानव के अंत की शुरुआत है। मानव के कल्याण के लिए बनाया गया रोबोट कभी कभी उलटकर मानव की ही जान ले सकता है। हमने इस तरह की चीजों को हॉलीवुड की फिल्मों में खूब देखा है। हाँ, वे फिल्में सच्चाई के बेहद करीब न हों, लेकिन बहुत दूर भी नहीं हैं। क्योंकि रोबोट को कितना भी तकनीकी रूप से मजबूत बना दिया जाए, लेकिन वह मानव की रचनात्मकता, निर्णय क्षमता और समझदारी की होड़ नहीं कर सकता है। ये ऐसी बातें हैं जो मानव को धरती पर सब जीवों से बिल्कुल अलग करती हैं।
यह बात भी सामने आती है कि यदि रोबोट्स के द्वारा मानव श्रम की तुलना में सस्ता श्रम उपलब्ध होने लगे तो बेरोजगारी का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। जरा सोचिए कि यदि गूगल और अन्य कुछ बड़ी कंपनियों द्वारा स्वसंचालित कारों का निर्माण पूरी तरह कामयाब हो जाता है एवं आम जीवन में वो कारें शामिल हो जाती हैं, तो उन करोड़ों कार और ट्रक चालकों का क्या होगा जो इस क्षेत्र में जीवन यापन के लिए लगे हैं। जाहिर सी बात है कि उन सभी लोगों के जीवन यापन पर संकट खड़ा हो जाएगा। कई रिपोर्ट्स उपरोक्त मुद्दे पर प्रकाशित हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स का कहना है कि यदि स्वसंचालन से युक्त मशीनों और रोबोट्स को दैनिक उपयोग में लाया गया तो भारत जैसे देश में असंगठित क्षेत्र में लगभग 70-80% नौकरियां जाने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। अलग अलग रिपोर्ट्स में ये आंकड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इस बात पर सभी एकमत हैं कि रोबोट्स के दुनिया पर छा जाने के कारण बड़े स्तर पर बेरोजगारी उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि रोबोट्स को एक बार खरीद लेने के बाद उन्हें कोई मासिक पगार देने की जरूरत नहीं होती। संभवतः इसका सबसे बुरा असर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पड़ेगा, क्योंकि इसी क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। अब सवाल उठता है कि इन रोबोट्स के साथ हमारा संबंध कैसा होगा। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे मानव का मशीनों के साथ बातचीत करने का चलन बढ़ रहा है। सोफिया रोबोट के साथ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि ने कई सवालों पर चर्चा की। सोफिया से पूछा गया कि क्या तुम मनुष्य के लिए खतरा हो। इसका जवाब सोफिया ने नहीं में दिया। यदि मानव मेरे साथ अच्छे से पेश आएंगे तो मैं भी अच्छे से उनके साथ पेश आऊंगी, सोफिया ने कुछ ऐसा जवाब दिया। एक अच्छे कल के लिए मैं और मानव साथ साथ चल सकते हैं। बहरहाल इस दोतरफा वार्तालाप में एक बात यह भी छिपी है कि जब इंसान आपस में बात करते हैं तो उनमें शब्दों के साथ साथ हाव भाव की बड़ी भूमिका होती है। कई बार चेहरे के इशारों से ही बात समझ में आ जाती है। क्या रोबोट भी आम इंसानों के हाव भाव पकड़ सकते हैं? क्या उनकी पहचान कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। रोबोट से बात करने के लिए हमें कुछ उससे बोलना पड़ेगा, तब जाकर वह आपको कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाएगा। अभी तक इंसान के हाव भाव को पूर्ण रूप से पकड़ने वाला रोबोट विकसित नहीं हुआ है। रोबोट के सामाजिक आयामों की चर्चा करें तो काफी डरावनी तस्वीर सामने आती है। हाल ही में ब्रिटेन में एक कंपनी ने रोबोट डॉल का निर्माण किया है। इस रोबोट डॉल को समांथा नाम दिया गया है। इस डॉल को आप यौन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। समांथा रोबोट को डॉक्टर सर्जी सेंटोस ने विकसित किया। इस रोबोट डॉल को ब्रिटेन के बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराया गया। इस कंपनी ने दावा किया कि यह डॉल न केवल यौन इच्छाओं को पूरा करेगी बल्कि आपके साथ एक फैमिली मेंबर के रूप में रह सकती है। इस रोबोट डॉल की कई प्रोग्रामिंग सेटिंग्स हैं, बस किसी विशेष सेटिंग वाली बटन को दबाना है, फिर वह वैसा ही रिएक्ट करने लगेगी जैसा आप चाहते हैं। सवाल उठता है कि यदि एक रोबोट आपके परिजनों का स्थान ले सकती है तो क्या यह संभावना नहीं है कि इसके नकारात्मक असर हमारी असल जिंदगी में रहने वाले लोगों पर पड़े। जाहिर है इसका बुरा असर बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि रोबोट द्वारा यदि शारीरिक और मानसिक दोनों जरूरतें मशीन पूरा कर रही है और वो भी इशारे भर से, तो असली मानव की क्या जरूरत है। यह माना जा सकता है कि एक रोबोट डॉल कभी भी प्राकृतिक मानवीय संवेदनाओं का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन मानवीय भूमिका को सीमित जरूर कर सकती है। यह प्रवृत्ति समाज के लिए न केवल गैर मानवीय है बल्कि आने वाले समय के लिए घातक है। इस तरह के चलन से समाज के ताने बाने के बिखरने का डर है। सामरिक क्षेत्र में और सुरक्षा के लिहाज से रोबोट्स को अत्यंत उपयोगी माना जाता रहा है। बॉम्ब डिफ्यूजिंग से लेकर बड़े खतरे से युक्त स्थानों पर रोबोट्स का प्रयोग किया जाता रहा है। यह पहलू ऐसा है जिसके कारण रोबोट निर्माण का विकास बिल्कुल मानवीय दृष्टिकोण से सही दिखाई देता है। इस तरह के प्रयोग से मनुष्य अपनी क्षति से बच पाता है, लेकिन कई बार रोबोट्स में तकनीकी खराबी के मामले सामने आते हैं। ऐसा एक वाकया जर्मनी में घटित हुआ जब फॉक्सवैगन कार निर्माता कंपनी की उत्पादन इकाई में रोबोट के द्वारा कर्मचारी को मार दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही अन्य उदाहरण भारत के मानेसर शहर में भी आया, जब एक कर्मचारी रोबोट मशीन के हाथ पर वेल्डिंग कर रहा था। वेल्डिंग करने के दौरान रोबोट ने कर्मचारी को मार गिराया। ये दोनों उदाहरण रोबोट में तकनीकी खराबी के हैं। यह बात साफ है कि रोबोट कभी भी इंसान की ही जान ले सकता है। इन सारी बातों के बावजूद रोबोट्स की उपयोगिता खत्म नहीं हो जाती। रोबोट्स की उपयोगिता विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी,
गैर मानवीय क्रियाकलाप इत्यादि क्षेत्रों में विद्यमान है। नासा तथा इसरो जैसे संस्थान सफलतापूर्वक रोबोट्स का उपयोग कर रहे हैं। आज डॉक्टर्स रोबोट्स की मदद से ऑपरेशन और सर्जरी को कामयाब तरीके से अंजाम दे रहे हैं। कई खतरों से अवगत कराना रोबोट्स का महत्व रेखांकित करता है। यदि अमानवीय दशाओं और मानव कल्याण के लिए रोबोट्स का विकास किया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई है तो सिर्फ इसमें कि जब रोबोट्स को मानव का विकल्प बनाया जाने लगे। यदि ऐसा होने लगता है तो यह मानव का आत्मघाती कदम ही कहलाएगा। इसलिए रोबोट्स का निर्माण हमारे लिए है, न कि हमारा रोबोट्स के लिए। यह बात ध्यान देनी चाहिए। यह बात स्वयं सोफिया ने कही कि मनुष्य मुझे अपने अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करे, न कि स्वयं को प्रतिस्थापित करने के लिए। आइए नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, सऊदी अरब की सरकार द्वारा रोबोट को दी गई नागरिकता के संदर्भ में छिड़ी बहस पर व्यापक चर्चा कीजिए।